नमस्कार। नवरे के इस शुभ पर्व के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में एकत्रित सभी भाई बंधु बहनों सभी को नए वर्ष के मंगल कामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपने जो कश्मीर बंधु भगिनी देश विदेशों से आभासीय पद्धति से जुड़े हैं, उन सबके परिवारजनों को, मित्रों को, सभी को इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विशेष दिन है, नए वर्ष का प्रारंभ है, दूसरे दिन है। कल ही आप लोगों ने एक संकल्प लिया है, संजीवनी शारदा केंद्र और अनेक सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर नवरेह के इस शुभ अवसर पर अप्रैल 12, 13 और 14 को त्याग, संकल्प और शौर्य के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें आप सभी सहभागी हुए होंगे, यह मेरा विश्वास है। इस कार्यक्रम के पीछे के एक उद्देश्य भी है, इसके पृष्ठभूमि भी आप लोगों ने समझ ही लिया है। त्याग, समर्पण, संकल्प और पराक्रम, शौर्य, यह किसी भी समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक गुण समुच्चय है। इन सारे गुणों के कारण ही कोई भी एक समाज उठ सकता है, अपने आप को उद्धार कर सकता है, विकास कर सकता है। लेकिन इस बार के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इसका आयोजन करने का एक कारण भी है। अभी अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत उस हिस्से में एक नए वातावरण पिछले एक वर्ष में प्रारंभ हुआ है। दशकों से, सदियों से कश्मीर में रहने वाले हमारे हिंदू बांधव और उनके परिवार अनेकों संकट और चुनौती के इस कालखंड से पार होते हुए, उसके सामना करते हुए अपने जीवन को अत्यंत एक संकट के घड़ी से उन्होंने पार किया और आगे के विकास के एक नए सीढ़ी पर पहुंचे हैं। इसलिए ऐसे एक मोड़ पर, ऐतिहासिक मोड़ पर हम सभी हैं। इसलिए हमें अपने भूतकाल के, अतीत के बारे में चिंतन भी करना चाहिए, उससे प्रेरणा भी लेने चाहिए, उससे सबक भी सीखने चाहिए, वर्तमान के परिस्थिति का आकलन भी करना चाहिए और वर्तमान के परिस्थिति के आकलन से भविष्य के निर्माण करने के लिए एक उज्जवल भवितव्य को हम अपने जीवन में लाने के लिए और अगली पीढ़ी को देने के लिए हमें कुछ संकल्प भी लेना चाहिए। ऐसे एक ऐतिहासिक मोड़ पर पूरे भारत है, विशेष रूप से कश्मीर के हमारे बंधु भगिनी ऐसे एक मोड़ पर इतिहास के, काल के इस गति में खड़े हैं। तो इसलिए आपको विशेष रूप से देश के सभी बांधवों के, सभी बंधु भगिनियों की शुभकामनाएं बहुत आवश्यक भी है। आप इस कार्य में सफल बने, इस दृष्टि से मैं देश के सभी देशवासियों की तरफ से आपको यह मंगल कामनाएं पहुंचा रहा हूं। मित्रों, आप 3 दिन के जो कार्यक्रम आपने किया, इसमें त्याग और समर्पण के एक विशेष मिसाल के उदाहरण भी रहा है। वह है 15वीं सदी में कश्मीर के उज्जवल इतिहास के पृष्ठों पर श्रियाभट्ट के नाम दर्ज है। श्रियाभट्ट एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनसे प्रेरणा लेकर हमें त्याग और समर्पण के उस मिसाल को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम जानते हैं विदेशी आक्रांता अरब के जो लोग भारत पर आक्रमण किए, कश्मीर पर आक्रमण हुआ और उस समय जैनुलाब अब्दीन ने
जब कश्मीर पर आक्रमण किया, वहां के लोगों के सामने बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो गया। बर्बरता से विदेशी आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया, उसके हिंसा के तांडव जब उसका नृत्य होता है तो कोई उससे बच नहीं सकता। हमारे बहनों की स्थिति यह तो अकल्पनीय है, भीभत्स है। हमारे भाइयों के धर्मांतरण करना यह भी होता रहा। जो विरोध किया वह जी नहीं सका, जो विरोध नहीं किया वह अपने धर्म उसको छोड़ना पड़ा। हमारे मंदिरों पर, हमारे गांवों पर, हमारे खेत खलिहानों पर सब प्रकार के आक्रमण हुए, इतिहास में यह दर्ज है। तो ऐसे स्थिति में कश्मीर के हमारे समाज जब इस आक्रांता के शिकार होकर किंग कर्तव्य मूड हो गया था, उस समय जैनुल अब्दीन को एक बीमारी हो गई, उसके छाती पर कुछ फोड़ा हो गया। तो उसने कई हकीमों को इधर उधर से बुला बुला कर सब प्रकार के इलाज करवाने के, उपचार करवाने के प्रयत्न किया, लेकिन उस बीमारी से उसको राहत नहीं मिली। तो किसी के कहने पर उसको ध्यान में आया, ये कश्मीर में जो पंडित रहते हैं, वैद्य राज रहते हैं, ये हिंदू वैद्यों के पास बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के तरह तरह के दवाएं हैं, औषधियां हैं, इसलिए ये रोग के निदान भी कर सकते हैं, निराकरण भी कर सकते हैं। इस विश्वास से उन्होंने सब तरह से खोज करवाई, तो सीरिया भट्ट नाम के इस वैद्य राज की खोज हो गई। सीरिया भट्ट केवल वैद्य नहीं थे, वो कई शास्त्रों के पारंगत भी थे, ज्योतिष के अन्य अन्य विषयों के भी वो ज्ञाता थे। सीरिया भट्ट जब ये पता चला, वैद्य का काम यह होता है, वो शत्रु दुश्मन कौन है क्या है ऐसे नहीं है, रोगी जब है उस रुग्ण के सेवा करना वैद्य की एक श्रद्धा का विषय होता है। तो इसलिए जब जैनुल अब्दीन को उनका ये बीमारी हो गई, उन्होंने सीरिया भट्ट को बुलाया, तो सीरिया भट्ट गए और अपने जड़ी बूटी के दवा से, अपने आयुर्वेद की इस चिकित्सा से उसने जैनुल अब्दीन के इस फोड़े के इस बीमारी को उसने पूर्ण रूप से निराकरण करवा दिया। इलाज अच्छा हो गया, सफल हो गया और जैनुल अब्दीन बहुत खुश हो गए। स्वाभाविक है, जब राजा खुश होता है वो कहता है तुम जो मांगे मांगो, तो ये तो है ही। तो जैनुल अब्दीन ने बहुत संपत्ति, धन, सुवर्ण वगैरह देने के लिए सामने आया, तो सीरिया भट्ट ने हाथ जोड़ कर गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आश्चर्य हो गया, अरे ऐसे कोई पंडित जब इलाज किया है, उपचार किया है, तो कुछ नहीं ले रहा है। उसने कहा तुम क्या मांगते हो मांगो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे एक अनुरोध है, उसको आप पूरा करिए। सीरिया भट्ट ने कहा देखिए, हमारे कश्मीर के अपने बंधु भगिनियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, ये जो चला हुआ है इसको आप रुकवाइए। तो सीरिया भट्ट के इस अनुरोध पर जैनुल अब्दीन एकदम चकित हो गए, उसको आश्चर्य लगा, ये कैसे आदमी है। उसके लिए सब कुछ धन संपत्ति सब मिलने वाले थे, लेकिन उसने टुकराया, उसके बदले में अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने ये मांग रखी। तो इससे उसको एक बहुत बड़ी सबक मिली, जीवन के एक पाठ मिला उस विदेशी आक्रांता को। यहां के एक सामान्य वैद्य कश्मीर के, उसने ऐसे आक्रांता को जीवन के एक बहुत बड़ा उपदेश अपने आचरण से, व्यवहार से, वाणी से दिया। उसने केवल दवा नहीं दी उस बीमारी के लिए, लेकिन दिमाग के उस बीमारी के लिए भी दवा दी, उस अहंकार के बीमारी के लिए भी उसने एक ऐसी दवा दी। तो इस प्रकार के एक उसके आचरण के कारण क्या हुआ, बाद में जो कश्मीर से लोग, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, उनको भागना पड़ा था आक्रमण के कारण, उनके शिकार नहीं होना है तो वहां से भागे लोग।
ऐसे भागे हुए लोगों को घर वापसी करवाने का कार्य भी सीरिया भट्ट के इस आचरण से उनके अनुरोध से वो हो गया। कश्मीर के लोग फिर वापस आए। ये कहानी है 15वीं सदी की इतिहास में। तो इसलिए सीरिया भट्ट के इस अद्भुत त्याग और समर्पण के कहानी की प्रेरणा लेकर हमने इस 3 दिन के अभियान में त्याग समर्पण के एक कार्यक्रम हमने किया और कल वर्ष प्रतिपदा के दिन एक संकल्प का कार्यक्रम था। इस संकल्प को आप लोगों ने लिया ही है। आप पारंपरिक परिधान पहनकर एक विशेष रूप से आपने नवरेह के इस थाली में सजाई जाती नवरेह के जो शुरुआत के दिन ना करते हैं उस सजाई जाती है नवरेह को उसके लेकर आपने एक संकल्प लिया। संकल्प भी कैसे हैं? प्रेरणा वहीं से है। शांति सद्भावना और समरसता को पुनः एक बार कश्मीर के अपनी इस भूमि पर स्थापित करना चाहिए और इसके लिए हम अपने इस पवित्र भूमि के गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए उसके संरक्षण हेतु तन मन धन के योगदान करने का संकल्प हमने लिया और साथ साथ यही भी हमने संकल्प किया कि आने वाले दिनों में कश्मीर में अपने परिजनों को मित्रों को फिर से बसाकर अगले नवरेह के उत्सव को पर्व को उल्लास से हम अपने कश्मीर के भूमि पर मनाएंगे। यह हमारे संकल्प रहा। मित्रों, संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प की शक्ति अपार होती है। हमने देखा है भीष्म ने प्रतिज्ञा की, राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, शिवाजी महाराज ने शपथ ली। जब संकल्प होता है संकल्प में बल होता है। वो व्यक्ति चाहो समूह चाहो समाज के हो राष्ट्र के हो संकल्प को यदि हम शुद्ध मन से पवित्र मन से निस्वार्थ भाव से समाज के उन्नति के लिए धर्म की स्थापना के लिए आध्यात्म के ऊंचाई के लिए राष्ट्र के लिए जब संकल्प लेते हैं उस संकल्प में ताकत 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाती है। एक सामान्य विद्यार्थी भी अपने जीवन में यदि संकल्प लेता है मैं अपने परीक्षा में अच्छे ढंग से मैं लिख सकूं इसलिए वो अध्ययन करता है परिश्रम करता है केवल संकल्प करके छोड़ता नहीं है भगवान के सामने प्रार्थना करके वो छोड़ देता नहीं है। कोई कोई भगवान पढ़कर आपको परीक्षा में लिखेगा नहीं लेकिन संकल्प लेकर जब वो अपने परिश्रम करता है उस संकल्प में ताकत आती है। तो इसलिए महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास ने एक जगह पर यही कहा है। उन्होंने कहा है जो चलवलिया है यानी कोई भी अभियान है आंदोलन है उसमें एक शक्ति है सामर्थ्य है। सामर्थ्य है चलवली जी लेकिन उसमें क्या चाहिए? भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे मराठी में है यानी भगवान के एक अधिष्ठान उसमें आवश्यक है। तो इसलिए जब कोई भी कार्य हम लेते हैं उसमें उस अधिष्ठान में भगवंत के एक साथ हम अधिष्ठान लेते हैं संकल्प लेते हैं उसमें शक्ति आती है। इसलिए कल हमने जो संकल्प लिया है उसमें ऐसी ताकत है। आज 14 अप्रैल को हमने शौर्य दिवस मनाने का कार्य किया है। आज के इस कार्य में हमारी प्रेरणा है कश्मीर के जो राजा रहे वीर ललितादित्य की। प्राचीन काल में बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने भारत के भूमि पर बार बार आक्रमण किए। भारत के भूमि पर आक्रमण करने का कारण हम सब जानते हैं। यहां की सोने की चिड़िया इस प्रकार के समाज का वर्णन जो है सचमुच में सोने की चिड़िया थी। यहां समृद्धि थी संपत्ति थी। इस संपत्ति को समृद्धि को लूटकर अपने जीवन में भोग लालसा से जीने के लिए विदेशी आक्रांता यहां आए। केवल इतना ही नहीं उन्होंने अपने मजहबी एक उन्माद से आए तलवार लेकर आए
इसलिए दुनिया में और कोई मजहब रहना ही नहीं चाहिए, अपने मजहब ही एकमात्र रास्ता है अल्लाह को खुदा को पहुंचने के लिए। इसलिए बाकी सब मजहब जो है, पंथ जो है, संप्रदाय जो है, धर्म जो है, वो सब रहने के लिए अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए एक तरफ संपत्ति के लूट, दूसरे तरफ अपने मजहब के उन्माद से उस मजहब को यहां स्थापित करने के लिए बाकी धर्मानुयायी लोगों के कत्ले आम करना, यदि वो उनके मजहब स्वीकार नहीं करते तो। ऐसे खून खराबा हुआ। इस प्रकार के विदेशी आक्रांतों से हमारे पूर्वजों ने सदियों तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और विजय प्राप्त करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं माना। कश्मीर की कहानी भी इस इतिहास से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। कश्मीर के हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार लगातार इस प्रकार के संघर्ष में रहे। जैसे सूर्यभट्ट ने एक त्याग और समर्पण की एक मिसाल उन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे ललितादित्य ने एक शौर्य के पराक्रम के एक उदाहरण उसने प्रस्तुत किया। जानते हैं कि ललितादित्य उस प्रकार के जब अरबों ने आक्रमण किया, सिंध से वो आगे बढ़ते रहे, उस समय ललितादित्य ने सोचा कि ये यदि और आगे बढ़ेंगे तो कश्मीर इनके लिए शिकार बन जाएगा, तो इसलिए कश्मीर को बचाना ललितादित्य का काम था। ललितादित्य ऐसे एक राजा थे जो धर्म परायण थे, उनके राज्य धर्म राज्य था, सब प्रकार के पंथ संप्रदाय के लिए वहां स्थान था, बौद्ध विहार थे, शैव मंदिर थे, वैष्णवों के मंदिर थे, पूजा होती थी, सभी शांति से सुख से जी रहे थे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य और समन्वय से जीने का एक श्रेष्ठ उदाहरण जो हिंदू भूमि में है उस प्रकार की उन्होंने कहा था। उसी के 100-150 साल पहले दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य में भी यही हम उदाहरण देखते हैं, वहां भी शैव वैष्णव बौद्ध जैन परस्पर सामंजस्य से रहे। विजयनगर साम्राज्य की कहानी इसी प्रकार की है, क्योंकि भारत के राजाओं ने धर्म संप्रदाय पर कोई भेद नहीं किया। कई राजाओं के राजा यदि वैष्णव है, रानी उनकी पत्नी वो शैव है, इस प्रकार की कहानी भी इतिहास में हमको मिलते हैं, लेकिन वो पति पत्नी रहे, एक शैव एक वैष्णव, लेकिन कोई झगड़े नहीं हुए, एक दूसरे के सम्मान से श्रद्धा से देखते रहे। ऐसे ललितादित्य अपने राज्य में धर्म समन्वय पंथ संप्रदाय के सामंजस्य से और लोगों के जीवन के भौतिक जीवन के लिए आवश्यक सब प्रकार के सुख सुविधा मिले, इस प्रकार के एक आजकल के भाषा में कहना है तो गवर्नेंस जिसको कहते हैं सुशासन, यह भी ललितादित्य के राज्य में देखने को मिला। ये सारी बातें इतिहास में सबूत के नाते हमें प्राप्त है। तो इसलिए ललितादित्य के जो शौर्य है, पराक्रम है, वह भी हमारे लिए प्रेरणा देते हैं। जब अरब लोग सिंध के पार करके आ रहे थे तब लगा कि अब कैसे बचाएं, इसलिए उनके ताकत के बारे में उनको मालूम था, क्योंकि वो अन्य अन्य देशों का आक्रमण करते हुए उन सबको परास्त करके अपने राज्य को वहां जमा जमाते आए थे। इसलिए ललितादित्य को लगा मेरी सेना के मेरे के दुर्बलता होकर अपने राज्य हम ना खोएं, हमारे लोगों को कोई संकट में हम ढकेल ना दे, तो इसलिए ललितादित्य ने चीन से सहायता मांगी। उन्हें कहा हम दोनों मिलकर एक आग करें, लेकिन उस समय चीन ललितादित्य के साथ नहीं दिया, उन्हें कहा यह हमारे काम नहीं भाई। तो इसलिए ललितादित्य उस समय राष्ट्रकूट के नागभट्ट और राजस्थान के वीर राजपूत बप्पा रावल इन दोनों से समझौता किया, दोनों ललितादित्य को समर्थन देने के लिए आगे आए। ऐसे गठबंधन बनाकर ललितादित्य ने अरबों का परास्त किया। तो इस कारण से अरब सिंध से आगे नहीं आ सके। इतने नहीं, उन्होंने सिंध के उस पार तक का उनको खदेड़ दिया। ललितादित्य के इस शौर्य और पराक्रम की प्रेरणा को लेकर आज हमें सोचना चाहिए, अपने कश्मीर पर भारत पर होने वाले किसी भी प्रकार के आक्रमण को यदि हमें परास्त करना है, उनको खदेड़ना है, तो एकता चाहिए,
भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। उस एकता के कारण हमारी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए जब हम संकल्प लेते हैं एक तरफ त्याग और समर्पण की दृष्टि से, उसके पराकाष्ठा से, कश्मीरी बंधु भगिनियों ने पिछले कई दशकों में जो त्याग के संकट के कारण सब प्रकार के जो उनको खोना पड़ा, उस त्याग और बलिदान के सामने मैं क्या कहूं। सारे देश आपके सामने नतमस्तक है। आपके इस संकट के काल में सारे हिंदू समाज आपके साथ किसी न किसी प्रकार से खड़ा रहा है, लेकिन आपने जो त्याग किया है, आपने धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार के दर्द को सहन करते हुए आप कश्मीर के समाज को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार आपने कार्य किया, इसके सामने हम सभी नतमस्तक हैं और आपको साधुवाद भी देता हूं, प्रशंसा भी करता हूं, और यह एक इतिहास में उदाहरण बन गया है। कश्मीर के लोगों को बार बार अपने भूमि से विस्थापन होना पड़ा। अभी 1989 में जो विस्थापन हुआ, ये सातवां विस्थापन है। कश्मीर के लोग कई बार अंते, जैसे सीरियाबट का मैंने अभी उदाहरण दिया, औरंगजेब के जमाने में हुआ, गुरु गोविंद सिंह के पास आकर कश्मीरी पंडित लोगों ने, गुरु तेग बहादुर के पास आकर कश्मीरी पंडितों ने जिस प्रकार अपने रक्षा के लिए उनसे अनुरोध किया, और गुरु तेग बहादुर जी ने जैसे कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं के शीश उनको चुकाना पड़ा, इसलिए दिल्ली के शीशगंज आज खड़ा है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर के उस बलिदान के कारण। कश्मीर के लोगों के धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। विस्थापन हुआ कश्मीर में, अभी सातवां विस्थापन जो हुआ, यह तो स्वतंत्र भारत में अपने ही देश में कश्मीरी लोग विस्थापित हो गए। तो इसलिए संकल्प हमने लिया, नहीं भाई, यह अंतिम विस्थापन होगा, इसके बाद कश्मीर फिर से विस्थापन होने का कोई समय नहीं आना चाहिए। तो इसलिए उस शौर्य को, त्याग को, बलिदान को स्मरण करते हुए उसकी प्रेरणा लेकर हमें एक का संकल्प जो लिया, इस संकल्प को चरितार्थ करना चाहिए, इसको सार्थक बनाना पड़ेगा, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने काम किया। सीरियाभट्ट की परिस्थिति एक प्रकार थी, ललितादित्य के समय की परिस्थिति अलग थी, लेकिन भारत के लोगों ने परिस्थिति कैसे भी रही, उनके सोच क्या रहा, जब त्याग बलिदान आवश्यक है त्याग बलिदान, जब शौर्य पराक्रम की आवश्यकता है उसके पूरा करने के लिए सामने है। मार्ग कोई भी हो, मार्ग ज्ञान के हो सकते, भक्ति के हो सकते, कर्म के हो सकते, लेकिन प्राप्त करना चाहे यह तय है। इसलिए लक्ष्य जब तय होता है, मार्ग कौन सा हो यह परिस्थिति के आधार पर अपनी क्षमता को देखकर, समाज के मानस को समझकर मार्ग के चयन किया जाता है। मार्ग कोई अपने आप में बुरा या भला नहीं है, लेकिन मार्ग अपनाते समय लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके पीछे के तत्व क्या है, और मार्ग को धर्म के आधार पर चयन करना चाहिए। वह धर्म समाज धर्म है, वह राष्ट्र धर्म है, वह मानव धर्म है। तो इसलिए कश्मीर के लोगों ने इस प्रकार के एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में, परिवेश में पिछले कई दशकों से अपने जीवन व्यतीत किया। मान अपमान सहन करना पड़ा उनको, सब प्रकार के दयनीय स्थिति में गुजरना पड़ा, सब प्रकार के हिंसा को सामना करना पड़ा। जिनके पास संपत्ति थी, धन था, खेती थी, सब छोड़कर अपने ही देश में भिखारी जैसे रहना पड़ा,
लेकिन परिस्थिति ऐसी थी। उस परिस्थिति में भी संघर्ष करते हुए अपने मूल को, धर्म को, अपने तत्व को, अपने लक्ष्य को न छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इतिहास में इज़राइल के यहूदी लोगों के एक उज्जवल उदाहरण है। बंधुओं, यहूदी लोग विश्व के कई देशों में बिखरे हुए थे, अपने मातृभूमि को उनको छोड़ना पड़ा। इज़राइल से उन्होंने 1800 वर्ष तक बाहर रहे, कितनी पीढ़ी हो गई, लेकिन हर पीढ़ी में उन्होंने यही विचार किया, अगले स्तर में हम फिर से इज़राइल में जाकर मनाएंगे। ऐसा हर पीढ़ी को उन्होंने वचन दिया, शपथ दिया, संकल्प दिया और उसके पश्चात लड़ते रहे। उन्होंने भी अपमान सहन किया, हिंसा सहन की, सब प्रकार के जीवन के चुनौतीपूर्ण उस घड़ी को उन्होंने देखा। एक देश नहीं, दुनिया के कई देशों में और वहां वहां के देश के समाज में उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, ऐसे नहीं है। बहुत तुच्छता से, बहुत हीनता से उनके साथ व्यवहार हुआ, पशु सदृश जीवन उनको बिताना पड़ा। केवल भारत एकमात्र अपवाद है जहां यहूदी लोगों के साथ ऐसे कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ, उनके साथ ऐसे कोई अपमान उनको सहन करना नहीं पड़ा। यहां वो भाईचारे के साथ रहे। उन्होंने अपने साहित्य में लिख कर रखा है, यहूदी लोगों ने इस प्रकार के जो सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष किया, एक संकल्प लिया, हम अपने मातृभूमि पर, हमारे होमलैंड पर हम जाएंगे, हम अपने इस संकल्प को आज नहीं तो कल, इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में हम इसको चरितार्थ करेंगे, साकार करेंगे, हम अपने ख्वाब को, अपने सपने को जीवन में उतार कर ही रहेंगे। ऐसे करते रहे। 1948 में इज़राइल के उस भूमि पर दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदी लोग आए, अपने स्वतंत्र मातृभूमि को उन्होंने फिर से प्राप्त किया। संकल्प की शक्ति, समाज के सामूहिक मन की शक्ति है ये। इतिहास से प्रेरणा लेने के यह उदाहरण है। इसलिए मित्रों, और एक कहानी, अभी अभी वो इतिहास अभी भी चल रहा है, तिब्बत से, अपने मातृभूमि से तिब्बती लोग कुछ दशक पूर्व चीन के आक्रमण के कारण उनको अपने देश छोड़ना पड़ा, भारत आए। भारत में उन्होंने यहां के भूमि पर, यहां के समाज के पोषण से आज तक रह रहे हैं। परंतु तिब्बती लोग यही विचार करते हैं, आज नहीं तो कल हम अपने त्रिविष्टप में, अपने तिब्बत में फिर से जाएंगे। हो सकता है कुछ समय लगेगा, लेकिन हर पीढ़ी को यह संकल्प लेना चाहिए, हम अपने मातृभूमि पर पहुंचेंगे और हमारे पूर्वजों के उस सपने को हम साकार करेंगे। इसके लिए चाहिए त्याग और समर्पण, इसके लिए चाहिए शौर्य और पराक्रम, इसके लिए चाहिए एक संकल्प। तो इसलिए मित्रों, आप 3 दिन जो कार्यक्रम संपन्न किए हैं, यह इसी इतिहास के उदाहरण से प्रेरणा लेकर करने का एक बहुत बड़ा एक अभियान, एक ऐसे कार्यक्रम था, उसमें आप लोग सहभागी हुए हैं। इसलिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, सारे देश आपके साथ है, आप इस कार्य में सफल हो। जैसे मैंने कहा, इतिहास के एक मोड़ पर आज कश्मीर के हमारे समाज खड़ा है। 1 साल पूर्व, लगभग 1.5 साल हो गए, एक बहुत बड़ा काम हुआ। भारत के संविधान में धारा 370 निष्प्रभाव किया गया, 35A को हटाया गया। इस कारण से कश्मीर के बारे में वर्षों से, दशकों से जो एक मांग थी, एक जो विचार था, वह एक मंजिल पहुंच गया, एक सफलता मिली। इस संघर्ष में एक कामयाब, तो एक मील का पत्थर है। अभी क्या काम पूरा हो गया? नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 साल में भारत सरकार ने कई प्रकार के
कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीरी बंधु बांधवों के लिए, पंडितों के लिए, हिंदुओं के लिए, कश्मीर के विकास के लिए कई काम सरकारी तौर पर उन्होंने उठाए। अनेकों वर्षों से पेंडिंग रहे हुए कई काम पूर्ण करने में सरकारी तंत्र आज आगे बढ़ा है। वो अपने जगह पर है, वो जो कार्य अच्छे कर रहे हैं उसके लिए हम साधुवाद दें, सहयोग दें, स्वागत करें और दुनिया में इस विषय को हम पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारे गलत समाचार, गलत संदेश, मिथ्या रूप से, विकृत रूप से, डिस्टॉर्टेड न्यूज ये पहुंच जाते हैं। सच में क्या हो रहा है धरती पर, हकीकत क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए जो अच्छी बातें हो रही हैं इसको पहुंचाने के एक बहुत बड़ा काम समाज के लोगों को करना चाहिए, केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मित्रों, उसके साथ साथ हमने एक शांति के, सद्भावना के, समरसता के, कश्मीर के स्थापना के संकल्प लिया है। क्या यह कार्य केवल सरकार पर छोड़ना है? सरकार इसके लिए आवश्यक परिवेश बनाए, कानून बनाए, उस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए सरकार करे, यह सरकार की कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ साथ यदि वो सफल होना है उसके लिए समाज का पूर्ण सहयोग चाहिए, मनोयोग से समाज को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने तौर पर भी, अपने स्तर पर भी उनको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। कोई भी समाज केवल सरकारी बलबूते पर अपने विकास नहीं कर सकता। अपने को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने दिल के अंदर के भावनाओं को उजागर करते हुए, अपने मस्तिष्क के प्रतिभा से, अपने सामूहिक मन से कार्य करने से ही हम एक सफलता के मंजिल पहुंचने में हम भी आगे बढ़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। मित्रों, त्याग और समर्पण की बात आई सीरियाबट के, क्या केवल उस सदी की बात है, 15वीं सदी की बात? लेकिन हम विचार करें, अभी इस 7वें विस्थापन के इस कालखंड में हमारे कितने लोग अपने बलिदान दिए। स्वर्गीय टीकालाल टप्पू जी, जस्टिस नीलकंठ गांजू जी, बहन सरला भट्ट जी, प्रेमनाथ भट्ट जी, मैं याद करता हूं कितने लोग, ये जो मजहबी उन्माद के लोगों के शिकार हो गए, उनके क्या कसूर, उनका क्या अपराध था? वो हिंदू के नाते जन्मे और कश्मीर में रहे, यही उनका अपराध? उन्होंने आवाज उठाई कश्मीर के लोगों के लिए अन्याय के खिलाफ, यही उनका अपराध है, यही उनका पाप है? लेकिन उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। हम सबके लिए, कश्मीर के भवितव्य के लिए अपने त्याग दिया, उनके उस समर्पण को हम स्मरण करें, वह त्याग वह समर्पण व्यर्थ न हो जाए। हमारे अगली पीढ़ी को इस प्रकार के जो लोग कश्मीर के लिए, भारत के लिए अपने समर्पण किया, बलिदान दिए, उनके नाम के स्मरण करने के लिए अगली पीढ़ी को हम इस इतिहास को बार बार बताएं। भारत के सैनिक, अर्धसैनिक बल, कश्मीर के पुलिस, इन्होंने भी इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं, मजहबी उन्माद से अपने ही लोगों पर जिन्होंने आक्रमण किया, इसे आतंकवादियों के आक्रमण को रोकने के लिए ये सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उन्होंने भी अपने बलिदान दिया, अपने जीवन का न्यौछावर कर दिया, प्राणों की आहुति दी, उनके परिवार अनाथ हो। ठीक है, सरकार की कुछ व्यवस्था से उनके भौतिक व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन उनके लिए जो धक्का पहुंचा है, आघात पहुंचा है, उसके लिए कौन से मलम पट्टी लाए? तो इसलिए उनके भी हमको स्मरण करना चाहिए। धारा 370 और 35 ए के जो प्रकरण हुआ, उससे फिर से एक बार, पुनः एक बार यह स्थापित किया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
भारत के इस स्वर्ग को फिर से एक बार स्वर्ग बनाने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सर्वविध से प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब का करना है तो शांति, समरसता और सद्भावना के लिए सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है, वो भी हम विचार पूर्ण करने के लिए समाज में जागृति भी लाए, सरकार के साथ सहयोग दे। कोई भी समाज को जीवित रहना चाहिए, केवल हम जन्मे हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, इसके लिए अपना जीवन है क्या? हम जन्मे हैं इसलिए मौज मस्ती से रहने के लिए अपनी जिंदगी है क्या? अपनी जिंदगी का प्रयोजन क्या है? अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? भारत भूमि में जन्मे हैं तो हम अपने जीवन को तो सार्थक बनाए, सफल बनाए, उल्लास से, आनंद से रहे, ये तो हमारा अधिकार है, हम करें। लेकिन केवल उतना ही नहीं, भारत किसके लिए जीवित है? भारत के अभिन्न अंग कश्मीर, यह भारत के जो जीवन के लक्ष्य है उस लक्ष्य के साथ कश्मीर का भी जीवन का लक्ष्य जुड़ा हुआ है। भारत की संस्कृति कहते तो क्या कश्मीर की संस्कृति उससे भिन्न है? संस्कृति की विविधता है। आज मैं आपको ये मेरे सारे विचार पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं हूं असम में, यहां बैठा हूं, और दूर दूर तक फैले हुए लोग जो मेरी बात आप सुन रहे हैं, आप लोग एक स्थान पर तो नहीं है, लेकिन मैं असम में अभी बैठा हूं, लेकिन मैं अनुभव करता हूं यह भारत की संस्कृति है। ठीक है, पूर्वांचल के एक अलग धारा है, अलग मिसाल है, इसके एक अलग पहचान है, लेकिन वो पहचान भारत के पहचान के जो टोटल क्यूमुलेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर है उसका एक हिस्सा है, उसका एक रंग है, उसका एक छटा है, उसका एक स्वर है। सरी गम प द नी सब तो स्वर से संगीत होता है, इसलिए सा अलग है, री अलग है, गा अलग है, ऐसे हम करेंगे सारे गम प द नी, ये सब मिलकर तो संगीत है। तो इसलिए संगीत एक है, भिन्न भिन्न स्वर हो सकते हैं। भारत की संस्कृति एक है, कश्मीर के एक छटा है, तमिलनाडु के दूसरे है, यहां असम के और एक तीसरे है, बंगाल के और एक हो सकता है, महाराष्ट्र के एक हो सकता है, लेकिन हम सब मिलकर ये भारत है। कश्मीर के हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर जब खड़े हैं, हमें विचार करना पड़ेगा, हम ये सारे संघर्ष, ये सारे चुनौती को सामना करने के बेड़ा क्यों उठाया? इसलिए क्योंकि कश्मीर के कल को हम उसी प्रकार के एक भव्य भविष्य के साथ खड़ा करना है। इसलिए कश्मीर के संस्कृति के बारे में अपने अगली पीढ़ी को, अपने अपने परिवारों में, घरों में हम उनको अवगत कराए, बताएं। कश्मीर की धार्मिक, सांस्कृतिक जो विशेषता है उसको बताएं, हमारे जीवन शैली के जो विशेषता है वो हम, ये केवल म्यूजियम पीस से बनाने से नहीं होता, पुस्तकों में लिखकर रखने से कोई समाज की संस्कृति जीवित नहीं रह सकती, फिल्मों से दिखाने से कोई समाज की संस्कृति का अनुभव नहीं होता, इसको घर घर में, परिवार में, हमें अपने जीवन में, व्यवहार में, आचरण में लाने से ही यह संभव है। भले हम कोई भी भाषा सीखे, इंग्लिश सीखे, फ्रेंच सीखे, जर्मन बोले, लेकिन हम कश्मीरी ना भूलें, कश्मीरी भाषा को अपने घर में बोलने के लिए अगली पीढ़ी को भी हम प्रोत्साहन दें, उनको सिखाए, हमारे साहित्य को, हमारे संगीत को, हमारे इतिहास को अपने अगली पीढ़ी को बताएं। कश्मीर इतने वर्षों से, इतने सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित है तो किन के कारण जीवित है? एक सिरियाबट, एक ललितादित्य, एक कल्हण, एक ललेश्वरी, एक अभिनव गुप्त, क्या इनके नाम हमारे अगली पीढ़ी के लोग नहीं समझना चाहिए? तभी तो प्रेरणा मिलेगी।
इसी कारण से हमें ये भी सोचना पड़ेगा, हम अपने युवाओं को पश्चिमीकरण के, आधुनिक उपभोगवाद के, अंधाधुंध के अनुकरण करते हुए उसी में, उस मौज मस्ती में अपनी संस्कृति को भूल न जाए। हम दुनिया के साथ व्यवहार करें, लेट अस इंटरैक्ट द होल वर्ल्ड विथ कॉन्फिडेंस, लेट अस अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल्स ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो डाउट, देयर इज नो ऑब्जेक्शन। लेकिन हम अपने जड़ों को भूल कर करेंगे तो हम ना उधर के ना इधर के ऐसे हो जाएंगे। इसलिए अपने को समझे, अपने मूल को समझे, अपने जीवन के लक्ष्य को हम समझें, फिर दुनिया का आलिंगन करें। हम तो उदार चरितार्थ, तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले लोग हैं, हम तो कृणम तो विश्वमार्यम कहने वाले लोग हैं, हम तो स्वदेशो भुवनत्रयम इस उद्गार को दुनिया के कोने कोने पर पहुंचाने वाले लोग हैं। इसलिए हमें किसी देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं, दुनिया के किसी धर्म संप्रदाय पंथ भाषा के साथ हमारे कोई दुश्मनी नहीं, दूरी नहीं है। हम तो सारे विश्व को आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन अपने जड़ को, अपने मूल को, अपने फाउंडेशंस को भूल कर नहीं, उसको टुकड़ा कर नहीं, उसको कमजोर कर नहीं, उसको दुर्बल बनाकर नहीं, हम अपने पैरों पर खड़े रहे और दुनिया के साथ हम विश्वास से, आत्मविश्वास से समझकर हम व्यवहार करें। इसलिए अगली पीढ़ी को इस प्रकार तैयार करने की एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। इसलिए कश्मीर के आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक विकास एक तरफ है, लेकिन सांस्कृतिक, सभ्यता मूलक विकास यह समाज को करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए शारदा लिपि, आज शारदा लिपि है क्या? इक्का दुक्के कोई होंगे उसको जानने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले। इसलिए क्या हम इस शारदा लिपि को पुनरुत्थान कर सकते हैं? मैंने यहूदियों के बारे में उल्लेख किया, जूस दे हैव रिवाइव्ड देयर लैंग्वेज हिब्रू। हिब्रू के बारे में क्या कहते थे? इट इज अ डेड लैंग्वेज, क्योंकि 1800 साल दुनिया के अन्य देशों में रहने वाले लोगों को वहां वहां के भाषा बोलनी पड़ी। कोई जर्मन बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था, कोई रशियन बोलता था, कोई इंग्लिश बोलता था। जब 1948 में वो फिर से अपने इजराइल के मातृभूमि पर आए, एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं थे, लेकिन वहां उन्होंने प्रयत्न किया, हमारे प्राचीन भाषा हिब्रू को फिर से एक बार अपने इजराइल की भाषा हम बनाएंगे। मृतप्राय भाषा, ऑलमोस्ट डेड लैंग्वेज, बोलने वाले चार लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस भाषा को फिर से एक बार खड़ा किया, उस भाषा के व्याकरण सिखाया लोगों को, उस भाषा में साहित्य प्रकाशित किया, उस भाषा को विद्यालयों में पढ़ाना सिखाया। हिब्रू को फिर से एक बार पुनर्जीवन देकर दुनिया के भाषाओं के मालिका में उन्होंने स्थापित कर दिया। क्या यह उदाहरण हम शारदा लिपि के बारे में नहीं कर सकते? हम कर सकते। इसलिए मैं कहा अपने संकल्प में शक्ति है, हम ऐसे अपने शारदा लिपि को फिर से एक बार हम प्रयोग में लाने के प्रयत्न करें। कश्मीरी गीत, संगीत, लोक कला, वेशभूषा, तीज त्योहार, इन सब में एक आनंद है, संस्कृति के, उल्लास के अद्भुत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने बनाकर रखा है, उसको आधुनिक काल में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस दृष्टि से हम विचार करें। मित्रों, दशकों के आतंकवाद के कारण बहुत हानि हुई, बहुत लोगों को संकट में रहना पड़ा। हम अभी उस दुस्वप्न से बाहर धीरे धीरे आ रहे हैं। कश्मीर सदियों तक शिक्षा का केंद्र था, इट वॉज एक्सेलेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन, कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ रहा। इसलिए हमें ऐसे विश्व के, विश्व स्तर के एक गौरवशाली शिक्षा परंपरा को भी हमें स्थापित करना पड़ेगा। हम
कई प्रकार के जो आक्रमण होने के कारण कश्मीर घाटी में मंदिरों के जो नाश हुआ उसको पुनरुद्धार करने का काम भी है। क्या कीर भवानी, क्या परियापुरा, क्या मार्तंड मंदिर, क्या अवंतीपुर, इन सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार करते हुए पुनः उनके और एक बार सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसको विकसित करने का कार्य हमारे सामने है। तो इसलिए ऐसे एक सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आयामों में हमको कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए कश्मीरी बंधु भगिनियों से मेरा अनुरोध है, हमने जो संकल्प किया है आज इस 3 दिन के अभियान को, जैसे आखिरी दिन हम मना रहे हैं, यह नए शुरुआत के प्रारंभ के एक सूत्रपात करने में सफल हो, यही मेरी आपकी तरफ शुभकामनाएं हैं। कश्मीरी घाटी में बहुत सारे जो अपने सांस्कृतिक विविधताएं, सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ जो उदाहरण है उनकी रक्षा करना और उन सब के प्रति अपने श्रद्धा को जागृत रखना, अगली पीढ़ी को कश्मीरी जीवन शैली के बारे में अवगत कराना, उसके बारे में आत्मविश्वास से बोलने के लिए उनको तैयार करना, यह आवश्यक है। इतने ही मैं इस समय आपके सम्मुख अनुरोध करता हूं। पुनः एक बार इन 3 दिनों में आपने एक संकल्प लेकर कश्मीर के समाज में एक जान फूकने का, उनके जीवन को चरितार्थ बनाने का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का बीड़ा जो उठाया है, इसके लिए साधुवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय।